क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्करर रैंक पुश गेम प्ले वीडियो। तैयार कैसे हो आप सभी लोग और क्या चल रही है आप लोग की रैंक एंड टियर? कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। अभी यार जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का कॉन्कर हो चुका होगा और यार जो लोग भी अभी कॉन्कर के लिए हार मान रहे ना, तो देखो अभी धीरे धीरे आप लोग पुश करते रहो। अगर आपको 100-150 पॉइंट चाहिए तो आप लोग इजीली यहाँ पे धीरे धीरे करके प्लस करके आराम से कॉन्कर अभी भी लगा सकते हो। और देखो ये भी आईडी जो है ना, ये तो मेरी आईडी है, लेकिन जो दूसरी आईडी में रैंक पुश कर रहा हूँ ना, उस वाली आईडी में भी आराम आराम से प्लस कर रहा हूँ। चाहे 100 हो 150 हो, इतना ही प्लस हो पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने भी ये करना है यार, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। अगर कॉन्कर नहीं भी होता है ना इस सीजन, तो आप लोग जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करोगे, जिस वजह से आप लोग स्टार्टिंग में नेक्स्ट सीजन के स्टार्टिंग में ही कॉन्कर यहाँ पे लगा सकते हो। और हाँ देखो, नेक्स्ट सीजन के लिए कॉन्कर रैंक पुश के लिए रेडी है ना, क्योंकि अपन भी यहाँ पे रेगुलर फिर से वापस होने वाले हैं। और हाँ देखो, अभी देखो 3-4 दिन से वीडियोज़ नहीं आ पाती, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, जिसमें यार मैं परसों के दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, जिस 2 दिन यहाँ पे वीडियोस नहीं आ पाई। लेकिन अभी ट्राई करेंगे वापस रेगुलर होने का। और देखो अपनी स्ट्रीम तो वापस से रेगुलर है ही, तो स्ट्रीम पे अगर आप लोग नहीं पता है तो डेली रात को 8 बजे से यूट्यूब पे चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में आके जुड़ सकते हो। और आपको रैंक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही ना, वहाँ पे आप लोग हमसे जरूर से पूछ सकते हो। तो भाई देखो, ये वाला गेम जो है ना, ये मेरी मेन आईडी का है, और इस वाली आईडी में ना, इस गेम में जो अपन ने किल निकाले ना भर भर के, वो देख के आप लोग को बिल्कुल ही मज़ा आ जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि वीडियो जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करती है आप लोग के लाइक्स हमें। तो गाइस देखो, उतर चुके थे इस वाली जगह में। उतरने के बाद में ना, अभी सामने की तरफ भाग के जाना था, क्योंकि काफ़ी दूर प्लेन पाता, जिस वजह से मैं यहाँ पे उतरा था। अब ये भाग भाग के उस तरफ जाता ना, देखता हूँ कि एक बंदा है M16 से यहाँ पे राइट में, बंदा यहाँ पे मारने भी लगा है। तो यार अभी देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो गई थी, मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे मरता ना तो उसका पक्का से यहाँ पे तगड़ा माइनस लगता, क्योंकि आजकल जो है माइनस बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। आप लोगों ने स्टार्टिंग इंट्रो में देख लिया होगा। अभी यहाँ पे उतरते VSS मिलते हैं, जिससे उतरते में यहाँ पे 2 बंदों को यहाँ पे इजीली फिनिश कर लेता हूँ। और उसके बाद में जो है यहाँ पे एक डब्बा पड़ा था, जिस डब्बे को मैं जैसे ही खोलता ना, इसमें से मिल जाते हैं मेरे को MG3। तो MG3 मिलने के बाद में यहाँ पे देखो अपन किस तरीके से किल निकालने वाले हैं उसके बाद। तो देखो आप लोग भी अगर इसी वाले इवेंट वगैरह कभी दूर होता है तब आते हो ना, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल लेके आने का ट्राई करना है और व्हीकल लेके आराम से निकल जाना है, क्योंकि यार यहाँ पे मर कोई भी फायदा नहीं होता है। अभी उस टाइम जैसे नीचे की तरफ आया था ना, यहाँ पे मुझे बॉट स्पॉट हो जाता है, जिसको मैं इजीली यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। और इसको फिनिश करने के बाद में मैं यहाँ पे ये वाला देखता हूँ कि मेन वाला जो बिल्डिंग है ये वाला खाली पड़ा है, तो मैं इसको जाके पहले लूट करने का ट्राई करता हूँ। इतने में यहाँ पे एक बाइक आती है, तो देखो बाइक वाले बंदे को किस तरीके से मारने वाले हैं अभी अपन। अभी यहाँ पे बाइक वाले बंदे को तो इजीली यहाँ पे फिनिश कर लेता, उसके बाद मैं पीछे की साइड आता हूँ जहाँ पे एक बंदा था। और इसको मारते मारते यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी गन पीछे रखता हूँ ना सेकंड गन चेंज करने के लिए, तो यार मेरी यहाँ पे MG3 पीछे की साइड में चले जाती है, जिस वजह से मैं यहाँ पे M4 नहीं निकाल पाता, बंदा इजीली यहाँ पे अपन को यहाँ पे फिनिश कर लेता है। लेकिन यार चलो कोई बात नहीं, इसके बाद अपन उतर जाते हैं वापस से अपने वाले इस वाले ड्रॉप लोकेशन में, क्योंकि इस वाले ड्रॉप लोकेशन में उतरने के बाद आप लोगों को पता ही होगा अपन करते हैं हमेशा की तरफ ब्रिज कैंप, और इस गेम में भी ब्रिज कैंप करने वाले हैं।
लेकिन यार इस वाले गेम में ना ब्रिज से रोटेशन नहीं आती है, तो यार इस वजह से अपन को घुस के ही बंदों को मारना पड़ेगा। तो देखो अभी किस तरीके से मारना ले बंदों को। अभी देखो टावर में आया ही था, इतने में थोड़ी देर में यहाँ पर आई थी एक व्हीकल। अभी इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, तो बाय थी इस बंदे पुश मारने की। लेकिन ये बंदा जो है ना गाड़ी यहाँ पे पानी के अंदर डाल के देखो कहाँ पर से निकलता है और कहाँ पर इस बंदे को मारने वाले अभी अपन। तो मुझे लगा था ये बंदा यहाँ पे व्हीकल के अंदर बैठ के यहाँ पे हीलिंग वगैरह करेगा, लेकिन लकीली इस वाले बंदे को तो फिनिश कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे एक और बग्गी की रोटेशन जाते हैं जो यहाँ पे अभी के लिए निकल चुका था, लेकिन मुझे लगा था ये बंदा यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये बंदा क्या करता है ना, घूम के वापस से इस वाले कंपाउंड में आके रुक जाता है, जिसमें मैं इसको बिल्कुल मौका नहीं देना चाहता। तो मैं तुरंत यहाँ पे एबिलिटी यूज़ करके इस वाले बंदे पे घुस के पुश मार देता हूँ। और देखो इस वाले बंदे पे पुश मारे कैसे अभी इसको मारने वाला है, पहले इन्जॉय करो इसके साथ में एक 1v1। और इस वाले बंदे को मारने के बाद अपने को बगी मिल चुकी थी, बगी लेके मैं वापस चले जाता हूँ इस वाले वॉच टावर पे होल्ड करने के लिए। और काफ़ी देर होल्ड करता हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड करने के बाद भी कोई नहीं आता, जिस वजह से मैं यहाँ पे निकल के सीधे पोचिंग के ये नीचे वाले कंपाउंड में आ जाता हूँ। और यहाँ के एक बंदे से अपना यहाँ पे फाइट हो भी आती है, तो देखो इस वाले बंदे के साथ में कैसे फाइट लेने वाले हैं अभी अपन। अभी के लिए ये वाले बंदे को तो इजीली यहाँ पे फिनिश कर लिया था, और फिनिश करने के बाद में मैं बगी लेके सामने की तरफ जा ही रहा था कि यहाँ पे मुझे एक बंदा लेटा हुआ स्पॉट हो जाता है। और जैसे ये स्पॉट होता है ना, इसके ऊपर यहाँ पे व्हीकल चढ़ा के इसको इजीली फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक बगी के पीछे पड़ता हूँ, देखो इसको कैसे मारते हैं अभी। और इसके यहाँ पे पीछे मैं काफ़ी दूर से पड़ के आया था, तो जैसे ये बंदा यहाँ पे रुकता ना, इस वाले बंदे को इजीली फिनिश कर लिया था। और इसका स्क्वाड हाउस में एक बंदा था, और जैसे ही बंदा यहाँ पे मेरे को फुट आता है ना, मैं तुरंत यहाँ पे उड़ने वाली एबिलिटी यूज़ करके इस वाले बंदे पे भी कुछ मार लेता हूँ। और उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि इस वाले टावर पे यहाँ पे चढ़ा जाए, क्योंकि इस टावर से यहाँ पे इजी यहाँ पे व्यू मिलते हैं चारों ओर के। तो और यहाँ पे एक यहाँ पे व्हीकल की रोटेशन आ भी जाती है, तो देखो अभी इसको तो डैमेज दिया था अच्छा खासा, तो बाहर थी इस बंदे को यहाँ पे मारने की। और जैसे ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है ना, इस वाले बंदे को मैं फिनिश करता हूँ कि इतने में मुझे सामने की हिल से एक और बंदा यहाँ पे फायर करता है। अब मैं समझ जाता हूँ हिल पे एक बंदा और है, लेकिन इतने में एक कैप्सूल मेरे को स्पॉट होती है ओपन में आती हुई। और जैसे ही कैप्सूल वाला बंदा ओपन में रुकता है ना, इस वाले बंदे को ईजी एक अच्छे खासे स्प्रे के साथ में टेक डाउन कर लेते हैं। और इसको टेक डाउन करने के बाद मैं तुरंत उड़ने वाली एबिलिटी यूज़ करके जाने वाला हूँ सामने वाले बंदे पे पुश मारने के लिए। तो देखो इस वाले बंदे के साथ में कैसा रहने वाला है 1v1। तो अभी के लिए इस वाले बंदे को भी इजीली यहाँ पे फिनिश कर लिया था। और फिनिश करने के बाद में ना, मैं यहाँ पे तुरंत से यहाँ पे हील वगैरह फुल करता हूँ उड़ने वाली एबिलिटी को, और तुरंत उड़ने वाली एबिलिटी यूज़ करके पहुँच जाता हूँ सामने की तरफ में, जहाँ पे वो अपने कूप वाला बंदा कैप्सूल वाला बंदा मारता ना, वहाँ पे आया था, क्योंकि वहाँ पर मेरे को पता था कि यहाँ पे मेरे को व्हीकल भी मिल जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद इस वाले बंदे से थोड़ा बहुत पेटी से लूट वूट करते हैं, और उसके बाद तुरंत चले जाते हैं व्हीकल के सामने की तरफ पुश मारने। लेकिन यार देखो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाला हूँ, जो आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी सामने की तरफ ग्रेनेड पड़ा था, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि सामने की तरफ एक बंदा हो सकता है। लेकिन यार जैसे मैं इस पर उड़ के पुश मारता हूँ ना, तो यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे दो तरफ से सैंडविच हो चुका था, और यहाँ पे दो तरफ से अपन को बंदे इजीली हम फिनिश कर लेते हैं। लेकिन यार लकीली इस वाले गेम में अपने को अच्छा खासा 18 का प्लस भी मिल चुका था, जो कि अभी के टाइम पे ठीक है। तो चलो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।